सिर्फ शहद से आप अपनी किसी भी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शहद एक मात्र ऐसी चीज़ है जो कभी ख़राब नहीं होती। तो शहद का इस्तेमाल करके किसी भी इच्छा को पूरी करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही इफेक्टिव उपाय है, जो कि आपके लिए रामबाण का काम करता है इच्छा को पूरी करने के लिए। तो कैसे करना है, कब करना है और क्या करना है, ये आपके साथ में मैं शेयर करने वाली इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ में। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वी नेचुरल चैनल पर मैं आराधना गौतम आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं तो इस विधि को आप ज़रूर अपनाइएगा। क्या चाहिए आपको इसमें? आपको चाहिए सिर्फ शहद की डब्बी। शहद की जो छोटी वाली डब्बी बाजार में मिलती है 50 ग्राम की या 100 ग्राम की, वो आप ले आएँ। अब इसमें आपको किस तरह से अपनी इच्छा पूरी करने के लिए क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। आपको ले लेना है एक चिट, ठीक है। एक सफ़ेद कागज़ पे आप अपनी इच्छा लिखेंगे, ठीक है। उस चिट को आपको कैसे बनाना है, तो आपको उस चिट को हरे रंग के पेन से बनाना है। एक सफ़ेद कोरा कागज़ ले लीजिए, साथ में ले लीजिए एक हरा रंग का पेन, और उससे अब आपको हरे रंग के पेन से अपनी इच्छा उस कागज़ पर लिखनी है प्रेजेंट फॉर्म में। प्रेजेंट फॉर्म से यहाँ पर इंटेंशन है कि आपकी जो इच्छा है मान लीजिए वो पूरी हो चुकी है। मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं एक्स वाई जेड से, तो एक्स वाई जेड से मैं बहुत प्यार करती हूँ, हम दोनों साथ में रहते हैं, हम दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारी प्यार में कोई हमारे प्यार के लिए सब राज़ी हैं, हम दोनों एक दूसरे से शादी कर चुके हैं, ठीक है। मतलब जो सब कुछ हो चुका है, जो जो आपकी प्यार से लेके इंटेंशन है, वो आपको प्रेजेंट फॉर्म में सारी लिख देनी है उस चिट पर। छोटी ही चिट लें, ठीक है, ताकि उस डब्बी में वो आ जाए। अब इस चिट को आप फोल्ड कर लें, ठीक है, पूरी छोटी से छोटी, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी छोटी आप इसको बना लें, ठीक है, छोटा कर दें, और फिर उस शहद में आप इसे डिप कर दें, उस शहद में आप इसे डुबा देंगे, ठीक है। डुबाने के बाद में ये तो मैंने एग्जांपल आपको दिया था प्यार का, आप इसी तरह से सक्सेस के लिए भी कर सकते हैं, आप जॉब के लिए या फिर जो भी आपकी इच्छा है उसके लिए आप इसे कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद में आप उस चिट को शहद में डुबा देंगे, शहद की डब्बी का ढक्कन लगा दें। अब इस शहद की डब्बी को आप किसी लाल कपड़े से लपेट दें ताकि बाहर कुछ भी ना दिखे। लाल कलर के कपड़े से आप इसे लपेट देंगे। लपेटने के बाद में आपको इसे अपने ऊपर से 11 बार उतार लेना है क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज आपको इसे 11 बार अपने ऊपर से उतार लेना है, ठीक है। 11 बार अपने ऊपर से उतारने के बाद में आप इसे किसी ऐसी जगह पर छुपा, आप इसे अपने रूम के दक्षिण पश्चिम कोने में छुपा दें। आपका रूम का दक्षिण पश्चिम कोना, वहां पर आप इसे छुपा दें। इस तरह से छुपाएं कि आपकी भी नज़र ना पड़े। आप इसे इस तरह से छुपाएं ताकि आपकी भी नज़र इस पर ना पड़े और आप भी इसे देख ना सके। ऐसी जगह इसे छुपा दें। छुपाने के बाद में आप भूल जाएं। आपकी जो मनोकामना पूरी करने के लिए आपको जो कर्म करना है वो आप करते जाएं। आप खुद देखेंगे बहुत ही जल्दी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। छुपा देंगे, उसके बीच में ही आप खुद देखेंगे कि 11 दिनों के अंदर ही आपकी इच्छा जो है वो पूरी हो जाएगी। 11 दिनों बाद आप इसे छुपाने के बाद में 11वां दिन इच्छा पूरी हो या ना हो, 11वें दिन आपको इसे वहां से निकाल लेना है और फिर इसे आपके घर के आसपास जो भी कहीं पेड़ हो, ठीक है, घर के बाहर, घर के अंदर का नहीं, घर में भी कईयों के पेड़ पौधे लगे होते हैं तो वो पेड़ नहीं, घर के बाहर अगर कोई जो भी पेड़ हो वहां पर आप इसके शहद को डालें, इस चिट को वहीं पर गाड़ दें, ठीक है, ताकि अगर आप चाहते हैं कि ये चिट किसी की नज़र में ना आए, कोई इसे देखे ना, तो आप इसे गाड़ दें, और अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई देख भी ले तो कोई मतलब नहीं है, तो आप इसे वहीं पर डाल दें, ठीक है। शहद को भी आप वहीं पर डाल दें, उस डब्बी को आप चाहे तो वहीं फेंक दें, चाहे तो घर ले आएँ, आपको जैसे करना आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना आसान सा उपाय है, आप इसे कीजिए और आप देखेंगे आपको वैसे तो 11 दिनों में ही रिजल्ट मिलेगा, 11 दिन में ही आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, और फिर भी अगर नहीं पूरी होती है तो बहुत जल्दी आपकी इच्छा 100% पूरी हो जाएगी। मेरा विश्वास करके आप इस उपाय को कीजिए और फिर जब रिजल्ट मिले मेरे साथ में शेयर जरूर कीजिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होगी। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी हिट कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।